कांग्रेस की 3 दिवसीय मीटिंग आज से, इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। भोपाल के बाल गृह से लापता सभी 26 बच्चियां सकुशल मिली, झुग्गी और छावनी क्षेत्र से किया गया बरामद, 2 अधिकारी सस्पेंड। मिशन 2024 को लेकर जुटी बीजेपी, पार्टी अध्यक्ष नड्डा जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ करेंगे मीटिंग। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, आयोग ने कसी कमर, 7 जनवरी से शुरू करेगा राज्यों के दौरे। उत्तराखंड बीजेपी की आज होगी बैठक, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा, मीटिंग में दिग्गज होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर आपने झोंकी ताकत, दिल्ली के सीएम केजरीवाल के गुजरात दौरे का 2रा दिन, चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। एक्टिव मोड में एमपी के सीएम मोहन यादव, सीएम डॉक्टर यादव आज महालोक में प्रसादम का करेंगे लोकार्पण। कोलकाता में आज माकपा करेगी बड़ी सभा, रैली निकालकर कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचेंगे ब्रिगेड। दिल्ली में घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड बरकरार, अगले हफ्ते बारिश के आसार। सुनील गावस्कर बोले, रोहित विराट को खेलना चाहिए T20 विश्व कप, बैटिंग फील्डिंग शानदार। नॉर्थ कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ विवादित समुद्री सीमा पर फिर की गोलीबारी, दागे 60 से अधिक गोले। एक बार फिर हुई कनेडाई पीएम ट्रूडो की फजीहत, भारत के बाद अब जमैका में बेइज्जती, छुट्टी से वापस आते वक्त खराब हुआ प्लेन। लोकतंत्र को खतरे में डाल सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, कैपिटल हिंसा के 3 साल पूरे होने पर बाइडेन का आरोप। बांग्लादेश में चुनाव से पहले भड़की हिंसा, कई मतदान केंद्रों पर आगजनी, स्कूलों में भी लगाई आग। हवा में ही खुल गया विमान का दरवाजा, बाल बाल बचे 177 लोग, बोइंग को करनी पड़ी आपात लैंडिंग। 1 मार्च से B2B ई इनवॉइस विवरण के बिना नहीं बनेगा ई वे बिल, व्यवसायियों के लिए बदलेगा नियम। पीयूष गोयल ने कोलकाता में कहा, देश को समृद्ध बनाने में बंगाल सबसे आगे रहा। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP 7.3% रहने का अनुमान, NSO ने जारी किए आंकड़े। ED ने झारखंड CM के प्रेस सलाहकार और साहिबगंज DC को भेजा समन, धन शोधन की हो रही जांच। यात्रियों के लिए जरूरी सूचना, कोहरे के चलते आज भी थमेंगे रेलवे के पहिए, कई गाड़ियां होंगी रद्द।